नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं रीवा मुंदला स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हाई लेवल क्वेश्चन। आई होप आपने बेसिक वाला वीडियो देख लिया, और अगर नहीं देखा तो प्लीज पहले भैया जाओ और जाके वो बेसिक वाला वीडियो देख कर आओ, ठीक है? वरना ये वीडियो बिल्कुल सर से ऊपर जाएगा, फिर मुझे बोलना मत कुछ समझ में नहीं आए, राइट? तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाई लेवल के क्वेश्चन में सबसे नंबर वन लेते हैं अपन कि अब वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये आपका प्लेन है, यहाँ पर एक वर्टिकल टावर है, ठीक है? इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टैप। इसके ऊपर एक फ्लैग स्टैप है ऑफ हाइट एच, और इसकी जो फ्लैग स्टैप है ना, इसकी हाइट कितनी है एच। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप आर एल्फा एंड बीटा। इसने साफ साफ बोला बॉटम से तो बना रहा है एल्फा, तो ये आपका बॉटम पॉइंट है। बॉटम पॉइंट से तो एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है अपना एल्फा, और टॉप से उसी सेम पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका बीटा। तो आपको ये प्रूफ करना है द हाइट ऑफ द टावर। जो हाइट ऑफ द टावर है, मैं मान लेती हूँ जो टावर अपना, ये हाइट ऑफ द टावर है अपना x। तो आपको ये प्रूफ करना है जो x है ना, उसकी वैल्यू है एच टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है? सबसे पहले अपन इसको नेमिंग दे देते हैं। ये अपना ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले इन ट्राइंगल डी बी सी, अगर अपन डी बी सी को गौर से देखें, डी बी सी को देखो, तो क्या मैं लिख सकती हूँ टेन एल्फा इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन बी सी। भाई बी डी और डी बी एक ही बात है, ठीक है? भाई अब टेन एल्फा अपन को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है बी डी की वैल्यू कितनी है अपने पास एक्स, और बी सी कितना, अपन बी सी मान लेते हैं वाई, तो बी सी हो गया अपना वाई। तो अपन ये लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल्स टू x tan अल्फा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, x cot अल्फा, बिकॉज 1 अपॉन tan क्या होता है, cot। सिमिलरली इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अपन अब आते हैं इन ट्राइंगल, अब बड़े वाले ट्राइंगल पे आते हैं ए बी सी। तो अपने पास क्या आ जाएगा tan बीटा, tan बीटा क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan बीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा ए बी की वैल्यू क्या है एच प्लस एक्स, बी सी कितना अपना वाई, तो अपने पास क्या आ गया वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा। तो वाई कितना हो गया एच प्लस एक्स होल मल्टीप्लाई बाय कॉट बीटा, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक चीज बताओ, इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स कॉट एल्फा, वाई इज इक्वल्स टू एच प्लस एक्स कॉट बीटा। तो क्या मैं लिख सकती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स कॉट एल्फा इज इक्वल्स टू एच प्लस एक्स कॉट बीटा। अब अपन इसके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा एच एक्स कॉट एल्फा इज इक्वल्स टू एच कॉट बीटा प्लस एक्स कॉट बीटा, ठीक है? अपन एक्स वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स आ रहा है अपना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स कॉट एल्फा माइनस एक्स कॉट बीटा इज इक्वल्स टू एच कॉट बीटा। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है भैया, अपन ने एक्स क्यों लेके, बिकॉज एक्स ही कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल्स टू एच कॉट बीटा। अब अपन करते हैं एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एच कॉट बीटा अपॉन कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा। अच्छा गौर से देखो, जब अपन ने ऊपर क्वेश्चन देखा था टेन की फॉर्म में, तो अपन क्या करते हैं इसको भी टेन की फॉर्म में ओपन करते हैं। अच्छा वन अपॉन वो कॉट बीटा को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन टेन बीटा, और नीचे क्या आ जाएगा वन अपॉन टेन एल्फा माइनस वन अपॉन टेन बीटा। एलसीएम लेते हैं एच टेन बीटा, एलसीएम क्या आएगा टेन बीटा माइनस टेन एल्फा और अपॉन टेन एल्फा टेन बीटा। अब गौर से देखो टेन बीटा से टेन बीटा तो कट हो गया, ये टेन एल्फा ऊपर चल जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आई एच टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस का टेन एल्फा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, हो गया इजी। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आपको आपको ऐसे लेवल के क्वेश्चंस भी क्या है अब आने चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है? अब आपके पास क्या है, एक टावर है दो डिस्टेंस पे, एक तो अपन मान लेते हैं डिस्टेंस है अपनी ए, मैं मान लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक तो डिस्टेंस क्या है ए, और ए क्या है आपकी डिस्टेंस बी, मतलब एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इस पॉइंट पे, दूसरा बना रहा है इस पॉइंट पे, तो इस बेस से इस बेस तक है आपकी बी, ए मीटर बी मीटर, इसको नेम दे देते ए बी सी और डी, ठीक है? अब एक जगह, अब इसने साफ साफ बोला है ये जो
आपके जो एंगल्स है, ये एंगल्स जो दोनों है वो क्या कॉम्प्लीमेंट्री, मुझे बताओ पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे एंगल जिनको प्लस करने पर आंसर कितना है 90। तो सपोज करो ये आपका है अगर थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आपको ये प्रूफ करना है जो हाइट ऑफ द टावर है ना, आपको प्रूफ करना है, मैं हाइट मान लेती हूँ एच, तो आपको ये प्रूफ करना है हाइट की जो वैल्यू है वो है अंडर रूट ए बी। ठीक है, सबसे पहले अपन आते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में मुझे पता है टेन थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी। अब टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉट थीटा। ये वैसे आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन सिर्फ मैं आपको इसी क्वेश्चन में करा दी, बिकॉज जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट है ये आपने फर्स्ट टर्म में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे और ये क्वेश्चन आपके डिलीट हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ यही वाला है, तो आप इसको लर्न कर लो कि भाई टेन 90 माइनस थीटा है उसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा, और वैसे ही कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा। ये आप लर्न करना एच अपॉन बी, तो अपने पास क्या आ जाएगा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एच। अब अपन आते हैं इसी पे बड़े वाले ट्राइंगल पे। अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी डी, तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन ए, तो ए टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये क्या बच जाएगा सिर्फ एच। अब ये दोनों एच के बराबर है, तो अपन ले लेते हैं इक्वेशन वन और इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अपने पास क्या आ जाएगा ए टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी कॉट थीटा। अब ए टेन थीटा को टेन थीटा ही रखते हैं, इक्वल्स टू बी कॉट को क्या लिख सकते हो वन अपॉन टेन लिख सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा अपने पास टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए। ये चीज आ गई आपके पास, अगर ये चीज आ गई तो ये जो वैल्यू है ना ये अपन पुट कर देते हैं टेन थीटा रख देते हैं, टेन थीटा क्या हो जाएगा अपने पास अंडर रूट बी अपॉन ए। ये जो टेन थीटा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू एच। अब एक चीज बताओ क्या इस ए को अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए लिख सकते हो, और ये क्या हो गया अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए इक्वल्स टू एच, इससे से कट गया तो एच की वैल्यू क्या है अंडर रूट ए बी, और यही आपको प्रूफ करनी थी कि हाइट की वैल्यू क्या है अंडर रूट ए बी। क्लियर है ये चीज। अब आते हैं अपन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, इस पर जो है अपना क्लाउड वाला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना। पहले अपन करेंगे इसका इजी वाला लेवल, फिर अपन आएंगे इसी क्वेश्चन के हाईएस्ट लेवल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक इज 630 डिग्री। ये आपकी लेक है, एक पॉइंट है इस लेक पे 60 मीटर ऊपर, इस पॉइंट के टॉप पे एक क्लाउड है, सपोज क्लाउड है इस पॉइंट पे, ये एंगल बनाता है आपका 30 डिग्री। ये एंगल कितना बनाता है 30 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इज 60 डिग्री। एक चीज बताओ अगर ये क्लाउड यहाँ है तो इसका रिफ्लेक्शन फिक्स यहाँ बनेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होती है बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद करते हैं साइंस के अंदर, कि सपोज आप मिरर के सामने खड़े हो, आप मिरर से 10 मीटर की दूरी पे खड़े हो तो आपके जो अंदर की इमेज है ना वो भी कितनी होगी 10 मीटर्स होगी। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस पॉइंट पे ये बना रहा है आपका कितना 60 डिग्री। क्वेश्चन है आपको निकालना है हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड। अच्छा एक चीज बताओ ये 60 है तो मैं मानती हूँ ये भी 60 होगा, और इतना सा पोर्शन क्या होगा अपन मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। मुझे बताओ ये पोर्शन क्या हो जाएगा 60 प्लस एक्स हो जाएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो ये हो गया अपना पॉइंट ए बी सी डी और ई। सबसे पहले अपन आते हैं इन ट्राइंगल ए ई डी, ए ई डी की बात करते हैं तो मैं क्या लिख सकती हूँ टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका एक्स अपॉन वाई। अच्छा टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 एक्स अपॉन वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई x रूट थ्री इक्वेशन नंबर वन। अब अपन आते हैं इस ट्राइंगल पे, बड़े वाले ट्राइंगल पे नीचे। अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल सी ई डी, सी ई डी पे आए तो अपने पास क्या आ जाएगा टेन 60। टेन 60 क्या हो जाएगा ई सी अपॉन ई डी। अब टेन 60 रूट, मुझे बताओ ई सी कितना है यहाँ पे, ई सी कितना है 60
प्लस 60 प्लस एक्स हो जाएगा भाई ईसी, ये डिस्टेंस भी होगी और ये डिस्टेंस भी होगी, टोटल मिला के ईसी है, और अपॉन ईडी अपना है वाई, तो अपने पास क्या आ गया वाई रूट थ्री इज इक्वल्स टू 120 प्लस एक्स। अच्छा वाई की वैल्यू क्या है, रूट थ्री एक्स, तो इस वाई की जगह एक्स रूट थ्री लिख दो, रूट थ्री तो पहले से इज इक्वल्स टू 120 प्लस एक्स, तो 3x इज इक्वल्स टू 120 प्लस एक्स, तो 2x इक्वल्स टू 120, तो x कितना आ गया 120 अपॉन 2, तो x आपके पास आ गया 60 मीटर। अच्छा x निकल गया, अब हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी है x प्लस 60, तो 60 प्लस 60, तो आंसर कितना आया 120 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं है। अब अपन बढ़ते हैं इसी के हाई लेवल क्वेश्चन पे। अब इसका हाई लेवल क्वेश्चन क्या है, अब इसमें आता है आपके पास, हाँ, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक, वही आपकी ये लेक है, ये पॉइंट है आपका h मीटर अबव द लेक इज अल्फा, वही इस पॉइंट से बना रहा है, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन अपन इसको करेंगे tan थीटा tan अल्फा वाली फॉर्म में, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन वही रिफ्लेक्शन है उस पर बना रहा है आपका बीटा। प्रूव दैट हाइट ऑफ द क्लाउड, अब आपको प्रूफ करना है जो हाइट ऑफ द क्लाउड है उसकी वैल्यू है एच टेन बीटा प्लस टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा, ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इस पोर्शन को एच है तो ये भी एच है, इसको मान लो एक्स, ये पोर्शन क्या हो जाएगा वही एच प्लस एक्स, और ये पोर्शन अपन ने मान लिया वाई, तो ए बी सी डी। अब सबसे पहले वही बात करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी प्रोसेस सेम है, कोई चेंज नहीं है, क्या लिखोगे टेन एल्फा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, तो वाई कितना हो गया एक्स टेन एल्फा, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई एक्स कॉट एल्फा। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अब अपन बढ़ते हैं बड़े वाले ट्राइंगल पे। अगर मैं बात करूँ इन ट्राइंगल बी सी डी, तो टेन बीटा, टेन बीटा क्या हो जाएगा बी सी अपॉन बी डी, अब टेन बीटा मुझे बताओ बी सी क्या है, एच प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन वाई, तो अपने पास क्या आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू टू एच प्लस एक्स अपॉन टेन बीटा, तो वाई कितना हो गया टू एच प्लस एक्स और होल मल्टीप्लाई बाय कॉट बीटा। अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो वाई के बराबर है, ये दोनों वैल्यूज क्या है वाई के बराबर है, तो अपन क्या ये चीज लिख सकते हैं दैट एक्स कॉट एल्फा इज इक्वल्स टू टू एच प्लस एक्स कॉट बीटा, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। अब एक्स इसको अपन चेंज कर देते हैं, इसको पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा टू एच कॉट बीटा प्लस एक्स कॉट बीटा, सेम वही प्रोसेस, एक्स वालों को इधर ले आओ, तो एक्स कॉट एल्फा माइनस एक्स कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 2h cot beta। अब इसमें अपन क्या करते हैं x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा cot alpha माइनस cot beta इज इक्वल्स टू 2h cot beta, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2h cot beta अपॉन cot alpha माइनस cot beta। अब x की इसमें अपन उसमें 10 में खोल देते, क्योंकि अगर अपन ऊपर गौर से देखें अपने आंसर्स किस में खुले हुए 10 में खुले हुए, तो अपन इसको लिख सकते हैं जब अपने सिंस अपने आंसर सारे 10 में खुले हुए हैं, तो इसको अपन क्या लिख सकते हो आप 2h cot बीटा को क्या लिखोगे 10 बीटा अपॉन 1 अपॉन 10 अल्फा माइनस 1 अपॉन 10 बीटा। अब इसमें एलसीएम लेते हैं तो 2h tan बीटा अपॉन ये हो जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा 10 बीटा, वही चीज 10 बीटा से 10 बीटा कट, तो वैल्यू क्या आई 2h अपॉन 2h फिर मल्टीप्लाई, ये जो 10 अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, भी आंसर खत्म नहीं हुआ है। इसने पूछा हाइट ऑफ द क्लाउड, गौर से देखो हाइट ऑफ द क्लाउड प्रूफ करनी है, तो अगर अपन बात करें हाइट ऑफ द क्लाउड की, तो हाइट ऑफ द क्लाउड की वैल्यू क्या है अपने पास x प्लस एच, तो अच्छा x की वैल्यू निकाली तुमने अभी 2h tan अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा प्लस एच करोगे, अब एलसीएम लो वही 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 2h tan अल्फा प्लस h tan बीटा
माइनस एच टेन एल्फा हो जाएगा। अब इसमें से टू एच है और इस वैच है तो क्या बच जाएगा, एच टेन एल्फा प्लस एच टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन एल्फा। अब मुझे बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एच आ रहा है तो अंदर क्या बचा, टेन एल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस का टेन एल्फा। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हुए आपके थोड़े से हाई लेवल के सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। हाँ गाइस, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, विद इन 24 आवर्स आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। एनी हाउ, आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, मेल आईडीज हमारे सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में गिवन है। तो प्लीज़ जो भी डाउट है उसको हैंड टू हैंड क्लियर करो, ज़्यादा बेटर होगा। और प्लीज़ अब पढ़ना शुरू कर दो, एग्जाम्स बहुत जल्दी अब अप्रोच कर रहे हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड लास्ट में, बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।